दिया लेकिन आपको आज तक नहीं मिली। इसके संदर्भ में 4 मार्च 2014 को राज्यपाल महोदय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई बिगर ग्राम सभा की अनुमति के बिना यहाँ के तहसीलदार रेती गिट्टी मुरुम का नीलामी नहीं कर सकता है, लेकिन खुलेआम चोरी कर रहे हैं मेरे भाई, खुलेआम हमारा रेती और गिट्टी का चोरी कर रहा है करके आपको जागरूक होना पड़ेगा। इन शासन के चोरों से आपका खदान आपके फैक्ट्री को बचाना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक जगह आना पड़ेगा। हम खुल के बोल रहे हैं मेरे भाई, आज भी यहाँ का तहसीलदार ईमानदार होगा तो खुल के हमारे सामने करे कि सही में गिट्टी और मुरुम यानी खदान में आपका अधिकार है, कि मन्नादार सिंह सिद्ध करेगा यहाँ के जल जंगल जमीन यहाँ का रेती गिट्टी में हमारा अधिकार है, लेकिन नहीं मिल रहा। आपको नहीं मालूम होगा हमारे घर कुल बांधुओं को 5 बरस रेती जो रॉयल्टी है फ्री रॉयल्टी में मिलता है मेरे भाई, उसके संदर्भ में महाराष्ट्र शासन ने निर्णय लिया है 19/2/2019 को, लेकिन आज तक हमारे किसी भी भाई को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है मेरे भाई, क्यों नहीं? क्योंकि आप इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे, आप इसके लिए संघर्ष नहीं कर रहे, इसके लिए आप एक जगह नहीं आ रहे करके समस्या है। करके हम आपको बताना चाहते हैं मेरे भाई, आने वाले दिनों में इस भूमि में हमारा शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए जो हमारे भाई पर इस देश हमारे भाई पे जो अन्याय और अत्याचार हो रहे शोषण के विरुद्ध में आवाज उठाने के लिए आने वाले 15 मार्च को हम तिथम्बा की भूमि में ऐतिहासिक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें आप लोगों को सबको सम्मिलित होना पड़ेगा और आपको आपकी ताकत दिखाना पड़ेगा। ये आपसे विनती करता हूँ मेरे भाई, अभी जरूरत है, अभी बैठने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, अब उठो, अब समय आ गया है कुछ कर दिखाने का मेरे भाई, करके उठो, आपसे विनती है। ये तो आने वाले दिनों में मेरे भाई आपको ना हम बचा सकते हैं ना आप खुद भी नहीं बच सकते, क्योंकि आज खुलेआम हमारे सामने हमारे समाज की बर्बादी हो रही है मेरे भाई, इस बर्बादी से आपको बचना है, इस बर्बादी से हमको बचना है करके संघर्ष करना पड़ेगा आप लोगों को। ये तो आने वाले दिनों में हम ना गाना गा सकते हैं, ना नाचना गा सकते, ना कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, क्योंकि आपको बार बार बताना पड़ रहा है कि इस देश में हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, इस देश में हमारी सभ्यता को खत्म करना चाहते हैं, इस देश में हमारी सोच को खत्म करना चाहते हैं, इस देश में आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं, और आदिवासियों को इसलिए खत्म करना चाहते हैं मेरे भाई, आदिवासी का मतलब होता है अधिकांश से रहने वाले लोग, बोलते आदिवासी मेरे भाई, इससे साफ होता है इस देश का असली मालक हम है, लेकिन मालक को खत्म किया जा रहा है। आज देख रहे होंगे आप कि जंगल में हम आज लकड़ी नहीं तोड़ सकते हैं, हमारे जानवर नहीं चरा सकते मेरे भाई, वन अधिकार के कर्मचारी यहाँ के शासन के प्रशासन के लोग बोल रहे हैं कि जंगल हमारा है, और हम तो खुले मन से बोल रहे हैं एक बार इस चिंता करें कि जल जंगल जमीन इनका है। मुझे बताइए आप लोग कि यहाँ का अगर पत्थर होंगे तो पत्थर का नाम भी हमने हमारे भाषा में रखा है, यहाँ का झाड़ का नाम भी हमने हमारी भाषा में रखा है, जो जंगल में जो जानवर रहते हैं उसके नाम भी हमने हमारी भाषा में रखा है, जो जमीन के अंदर जो खनिज है उसके नाम भी हमने हमारी भाषा में रखा है। इससे साफ सिद्ध होता है मेरे भाई कि बाप ही बेटे का नाम रखता है, इसको तो जंगल और जमीन को हमने जन्म दिया, इनका कैसा हुआ? अगर हम नहीं होते, अगर ये हमारा नहीं होते तो हम इसको शब्द नहीं देते हैं, हम इनका नाम नहीं रखते थे मेरे भाई, क्योंकि हम इनका बाप है, लेकिन आज बाप को ही इस जमीन से बेदखल करने की षड्यंत्र चल रहा है, इसको आपको समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है मेरे भाई कि ये हो रहा क्या, ये चल रहा क्या। करके मेरा विनती है मेरे भाई कि वही वक्त भी बदलेगा, ये समय भी बदलेगा, ये तस्वीर भी बदलेगा मेरे भाई, हम बदल जाए तो सारा जमाना बदल जाएगा, ये विचार आपको बुलंद करना है। इतना ही बोल के अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आदिवासी।